स्टूडेंट्स, माइसेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 8th क्लास का चैप्टर देखेंगे, कंबशन एंड फ्लेम। इसके बारे में पढ़ेंगे, कंबशन एंड फ्लेम। सबसे पहले अगर जाने हम कंबशन, तो कंबशन क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है दहन, दहन करना, जलाना ऑब्जेक्ट। फ्लेम का हिंदी मीनिंग है ज्योति, ठीक है, ज्वाला, ज्योति। सबसे पहले अगर हम जाने कंबशन क्या प्रोसेस होती है, ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन कौन सी? जो एयर के अंदर प्रेजेंट है। और लास्ट में क्या कर देता है, लास्ट में क्या मिलेगा हमें? एक न्यू सब्सटेंस मिलेगा, साथ के साथ में हमें हीट प्लस लाइट एनर्जी वहां पर मिलेगी, या तो हीट के रूप में या लाइट के रूप में। वहां पर एनर्जी है वो दिखाई देगी हमें, ठीक है, और एक नया सब्सटेंस है वहां पर फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि मान लो चारकोल को जला रहे हैं वहां पर, कार्बन किसका किससे बना होता है? कार्बन से फॉर्म होता है चारकोल। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं तो क्या हो जाएगा? CO2 प्लस में लाइट प्लस में हीट एनर्जी, ये वहां पर रिजल्टेंट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेंगे। तो कंबशन क्या हो गया बेटा? केमिकल प्रोसेस हो गई, इसमें कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, और साथ में हीट और लाइट एनर्जी है वो हमें देगा। कंबशन किसके अंदर होगा बेटा? दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, तो होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरे होते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से होंगे, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से होंगे बेटा? जो ऑब्जेक्ट जल सके वो तो कौन सी हो जाएगी? कंबस्टिबल। और जो ऑब्जेक्ट जल नहीं सके वो क्या हो जाएंगे? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि जल क्या सकते हैं, एग्जांपल ले हम, पेपर है, पेट्रोल है, CNG है, ठीक है, वुड है, तो ये क्या हो गए? कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गए। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से हो जाएंगे? जो जल ना सके, जैसे कि अगर हम बात करें सैंड होगी, रेत, ठीक है, ग्लास हो गया, ब्रिक्स है, हमारे घर में ईंटें लगी हुई है, ये क्या है एक तरीके से? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है, जिनके अंदर कंबशन हो सके, जो जल सके, दहन हो सके जिनका, वो कंबस्टिबल सब्सटेंस। जिनके अंदर दहन नहीं हो सके, जो जल ना सके, वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। उसके बाद अगर हम मेन चीज देखें तो कंडीशन आती है, अभी कोई सब्सटेंस है चाहे वो कंबस्टिबल हो, वो जलेगा तो कब जलेगा? नेसेसरी फॉर कंबशन। क्या कंडीशन होगी कोई सब्सटेंस है वहां पर बर्न होगा, जलेगा? सबसे पहले वहां पर क्या होना चाहिए? कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। जैसे कि बात करें, अगर पेट्रोल है या पेपर है, एक जैसे ले लिया हमने पेपर, एक ले लिया जैसे कि हमने ब्रिक्स हमारे पास, तो सिंपल सी बात है, कौन सी चीज जलेगी? पेपर जल सकता है, ब्रिक्स है जो ईट है वो तो जल ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। तो सबसे पहले अगर कंबशन होना है, दहन होना है वहां पर, आग लगेगी, तो केवल किस में लग सकती है? कंबस्टिबल सब्सटेंस के अंदर। दूसरी मेन कंडीशन है इग्निशन टेम्परेचर। तीसरी जो मेन कंडीशन आएगी
वो आएगी कंबशन में कौन हेल्प करता है, कौन सपोर्ट करता है, तो वो आएगा अपने पास ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात करें, हमने कंबस्टिबल सब्सटेंस की बात कर ली, भाई ऑब्जेक्ट है वही जलेगा जो कंबस्टिबल है, जो जल सकता है। उसके साथ साथ उसको जलने में किसकी मदद चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर। वो कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस है वो जल सकता है। मान लो इसका इग्निशन टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, मान लिया हमने, ठीक है। तो ये कब जलेगा, जब तक हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर नहीं दे देंगे तब तक ये नहीं जलेगा। 100 या उससे ऊपर होते ही टेम्परेचर ये क्या करने लग जाएगा, बर्निंग हो जाएगी, इसके अंदर जलने लग जाएगा। तीसरी बात करें अगर हम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन किसमें सपोर्ट करती है, बर्निंग में सपोर्ट करती है। बिना ऑक्सीजन के वहाँ पर बर्निंग नहीं हो सकती, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंबशन है वो हो सकता है। उसके बाद मेन चीज़ें और जाननी हमने, नेसेसरी कंडीशन हो गई भाई, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए और गैस होनी चाहिए वहाँ पर ऑक्सीजन, तभी क्या होगा वो कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर कंबशन होगा। अब अगर हमें कहीं पर आग लगी हुई है वो बुझानी है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, भाई ये जो तीन कंडीशन थी नेसेसरी कंबशन के लिए, इनमें से वहां पर एक कंडीशन को हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, वहां पर जो कंबशन हो रहा है, दहन हो रहा है, आग लगी हुई है, वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। कैसे हो सकता है, जैसे कि कंबस्टिबल सब्सटेंस है, अगर मान लो एक अलमीरा है, ठीक है, या एक रूम है, ठीक है, रूम के अंदर हमने बुक्स रखी है, अब वहाँ अगर मान लो किसी बुक के अंदर आग लग गई है, ठीक है, वहाँ से हम जो और अदर बुक है या और अदर कंबस्टिबल सब्सटेंस है उनको वहाँ से हटा दें, जैसे कपड़े हैं हटा दिए, पेपर है, कागज है हटा दिए, अदर बुक्स है वो हटा दिए, एक बुक जल रही है, तो क्या वो फिर रूम को जला पाएगी, क्या और आग फैल पाएगी, नहीं। क्यों, क्योंकि जहां पर जिसके अंदर जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो जल रहा है वो किसको जला सकता है, केवल जो दूसरे कंबस्टिबल सब्सटेंस है। अब वाल को, दीवार को तो जलाएगा नहीं, वो बुक खुद जल के वहीं पर खत्म हो जाएगी। हमने क्या किए, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसके आसपास वो हमने हटा दिए, तो और दहन नहीं हुआ और आग नहीं फैली, ठीक है। या फिर अगर पॉसिबल हो सके तो बेस्ट वे क्या है, उस जो बुक के अंदर आग लगी हुई है या किसी भी मटेरियल के अंदर आग लगी हुई है उसको वहाँ से हटा के और बाहर डाल दें, तो भी क्या हो जाएगा, पूरी जगह है वो सेफ हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात करें अगर इग्निशन टेम्परेचर की, इग्निशन टेम्परेचर जैसे कि मान लो कोई चीज़ जल रही है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जल रही है, एक बुक ही लगा लो मान लो, या कपड़े लगा लो, कोई भी चीज़ लगा लो, वुड लगा लो, लकड़ी है वो जल रही है, हमने क्या किया उसका पानी डाल दिया उसके ऊपर, उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। मान लो वो 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका इग्निशन टेम्परेचर है, उसके ऊपर वो जल सकती है और वो जल रही है, हमने पानी डाला तो पानी क्या करेगा, एवोपरेट तो हो जाएगा लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो कम कर जाएगा। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया, जिसका इग्निशन टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस था और उससे नीचे आ गया तो उसके अंदर कंबशन होगा ही नहीं, ठीक है। तीसरी कंडीशन, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें। जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा इस प्रकार से, जैसे कि कैंडल है ये जल रही है, हमने क्या किया, एक ग्लास बीकर लिया यहाँ पर और इसको इन्वर्टेड यहाँ पर रख दिया, तो कुछ देर कैंडल जलती है उसके बाद क्या हो जाती है, वो बुझ जाती है। क्यों हुआ ऐसा,
क्योंकि जो बीकर के अंदर ऑक्सीजन थी वो उसने यूज कर ली। अब ऑक्सीजन है वो बर्निंग में कम्बशन में सपोर्ट करती है, अब ऑक्सीजन उसको और मिल नहीं पाएगी तो बर्निंग कम्बशन है वो रुक जाएगा। ठीक है बेटा, तो आग बुझानी है तो हम इन तीनों चीज़ों का यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे बंद करेंगे, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं अपने पास, CO2 होती है उनके पास, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो बर्निंग है वो अपने आप रुक जाती है, CO2 बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।